दोस्तों, आज हम आपको डिफाइन करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ वन सिंगल बेडरूम का हाउस प्लान है, और यहाँ पर जो फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत ही बेहतरीन से है। अगर आपका बजट कम है तो आप एक बेहतरीन सा घर बना सकते हैं सिंगल रूम का, और छोटा सा एक बारंदा आपको मिलता है, लेट बाथ किचन। यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह मैंने नहीं क्रिएट की हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है। अगर आप इसके ऊपर और बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा जगह मैंने कहाँ पर उसके लिए दी है। लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लान है, एक सिंगल बेडरूम के साथ बेहतरीन सा प्लान। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेहतरीन मिलता है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसका साइज़ है मात्र 13x25 फिट। 13x25 फिट में इस मॉडल को मैंने बना रखा है। 13 फिट इसका फ्रंट है, 25 फिट इसकी लंबाई है, और इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने स्टूडेंट लगातार, मैं उपन चाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं, नए नए डिजाइन मिलते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जब भी घर बनवाएं तो आप यहाँ पर आएँ और एक बेहतरीन सा आपको कॉम्बिनेशन मिले, बेहतरीन सा घर का डिजाइन मिले। तो आज का जो प्लान है 13x25 फिट का फ्रंट, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे और आपको इसका रियलिस्टिक समझ में आ जाए। इसकी आप ग्रिल देखिएगा, ब्लैक कलर और वाइट कलर की ग्रिल इस्तेमाल की है मैंने, आगे फूल वगैरह लगा रखे हैं, और एक और ग्रिल है, मैं डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले आपको दो पिलर मिलते हैं, ये बारंदा टाइप का मिलता है। अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। ये दोस्तों एक पैनल सा लगा हुआ है, जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये एक विंडो है। तो बारंदे से जैसे आप एंट्री करते हो, ये जो रूप पड़ा है, छत पड़ा है, 8 फिट पे है। इसके ऊपर एक रेलिंग मैंने चारों तरफ देखी बना रखी है, ये एक्स्ट्रा रूफ है, और ये पिलर है इसका। जैसे बेडरूम से आप एंट्री करते हैं तो आपको सीधा किचन में मिलेगा, ये यहीं पर आपकी ओपन किचन मैंने बनाई है, क्योंकि जगह कम है तो ओपन किचन है, और यहीं से आपके और अंदर बेडरूम में एंट्री होती है। बेडरूम में एक आपका सोफा पड़ा हुआ है, एक बेड पड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 12x13 फिट का बेडरूम यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा है। इसके ये इस साइड में देखिए कि लेट एंड बाथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अटैच्ड लेट एंड बाथ। तो एक बेडरूम, किचन, लेट एंड बाथ, आगे बारंदा जिसे पोर्च बोल सकते हैं। हालांकि स्टेयर्स मैंने नहीं दी, अगर इसके ऊपर भी आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेयर्स कहीं बाहर ही क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया है। कम बजट में आपका बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर था जो मैंने आपको डिस्कस किया, देखिएगा जो रेलिंग जी बनी है, ये 8 फिट वाली छत पर बनी हुई है। ये फ्रंट आप 3D इसका मॉडल और देख लें, बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको मैंने दिया है। और वहीं बात करें लास्ट फ्लोर की या फर्स्ट फ्लोर की, तो उस पर 3.5 फिट का बाउंड्री चारों तरफ, ये देखिएगा, और फ्रंट में येलो और वाइट कलर की ग्रिल दे रखी मैंने, ये देखिएगा, जिसमें और एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा डिज़ाइन आपका बनकर रेडी हो जाता है, जो कि मात्र 13x25 फिट में एक बेडरूम के साथ बना हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।